गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह के बजरंग दल पर बैन लगने के बयान पर कहा कि बजरंग दल पर बैन लगाना तो दूर की बात, कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता। वहीं सतना में नाबालिग के साथ हुए रेप और प्रदेश कार्य समिति की बैठक पर भी गृह मंत्री ने बयान दिया। दिग्विजय सिंह जी के बयान के बारे में मैं पहले बोल चुका हूं कि मध्य प्रदेश में प्रतिबंध लगाना तो दूर, प्रतिबंध की सोच भी नहीं सकते। और ये पत्र भी उस समय मैंने जो है 2/3/5/23 को जारी किया था। ये मेरी बाइट है जो उस समय मैंने बोला था कि प्रतिबंध लगाना तो दूर, किसी का आई फ्लू दूर हो रहा है, धीरे धीरे उसे अच्छे लोग नज़र आ रहे हैं राष्ट्रवादी संगठन में। थोड़े दिनों में ये आई फ्लू का जाला हट हो जाएगा तो उनको समझ में पूरा आ जाएगा कि बजरंग दल राष्ट्रभक्तों का ही संगठन है। जो अभी कुछ कुछ पे आए हैं वो पूरे पे आएंगे, प्रतीक्षा करिए आप सिर्फ। ये देखो महाकाल जाने लगे, ये कांवड़ यात्रा में जाने लगे, ये सब कथा कराने लगे। जनता सब समझ रही है कि मेवात पे क्यों नहीं बोले, उज्जैन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद, आपको काजी साहब जिंदाबाद कैसे सुनाई देने लगा। जनता जानती है ये बात को कि आपने कैसे खरगोन की घटना को दूसरा फोटो डालकर भड़काने की कोशिश की और भगवा की वो कर दी आपने। कभी आप हिंदू और हिंदुत्व को अलग करने की कोशिश करते हो। ये सब अच्छी तरह से समझ में आने लगा है कि जो आप एक चुनावी हिंदू बनके, तो चुनाव पे आप ये जो यात्राएं कर रहे हैं जनता जान रही है। बहुत घृणित कृत्य है ये, जिस तरह से ये दरअसल मानसिक बीमार टाइप के लोग हैं और उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। पास्को एक्ट, SC ST एक्ट, ये सब धाराएं उस पर लगा दी गई हैं और शीघ्र ट्रायल वाले कोर्ट में भेजा जाए। माननीय अमित शाह जी का जो जानकारी अभी आई है वो 20 तारीख को प्रदेश कार्य समिति की बैठक ग्वालियर में होगी। भोपाल और ग्वालियर दो जगह आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रामीण भारत टीवी।